वहीं जयपुर के प्रतापनगर निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी नरेश अग्रवाल ने कानौता थाना पुलिस पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मोहनपुरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस मामले पर कानौता पुलिस ने 9 नवंबर को 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रेस नोट में बताया कि इन लोगों के खिलाफ बस्सी थाने में FIR दर्ज हुई है, जबकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो किसी दूसरे के जमीन विवाद का था। अग्रवाल ने कानौता में केशव कुंज नाम से कॉलोनी का विस्तार किया था। उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ एक दर्जन मामले दर्ज हैं, तो मुझे एक बार भी अनुसंधान के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसे में थानाधिकारी द्वारा मुझे सामाजिक तौर पर अपमानित किया गया, जिससे मैं तनाव में हूं। वहीं अग्रवाल ने पुलिस आयुक्त जयपुर को शिकायत सौंपी है। नरेश अग्रवाल ने पुलिस कमिश्नर विजू जोर्ज जोसेफ को शिकायत दी है। वहीं कानौता थाना प्रभारी उदय सिंह ने कहा कि नरेश अग्रवाल के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं, अनुसंधान जारी। हम किसी के नाम से टारगेट नहीं करते, हम आरोपियों पर कार्रवाई करते हैं। हम पब्लिक का जो फीडबैक मिला यह बाउंसर रखते हैं। क्षेत्र में बड़ा आतंक था, हम अपराध के खिलाफ हैं। कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा मेरी उसमें कोई किसी हमारे किसी बहुत सीनियर अफसर ने मेरे से कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है शिकायत के बारे में, पर फिर भी मैंने नरेश अग्रवाल का देखा है कि मेरे थाने पे ही 12 मुकदमे दर्ज हैं, और जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है पब्लिक का, इसके द्वारा जो बाउंसर्स वगैरह रखे जाते थे इलाके में बड़ा भारी आतंक था। तो हम बिल्कुल जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं हम बिल्कुल बायस्ड नहीं है, हम किसी नरेश अग्रवाल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो जो भी कोई आदमी अपराध करेगा या कोई गलत चीज करेगा या जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होंगे तो उनकी जांच करेंगे, उनकी बिल्कुल साफ सुंदर हम जांच कर रहे हैं। बाकी इंटेंशनली कोई आदमी ऐसा कहे या ऐसा सोचे कि किसी नरेश अग्रवाल के खिलाफ है तो इम्पॉसिबल, ऐसा हम बिल्कुल नहीं है। हम अपराध के खिलाफ हैं, कोई आदमी गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी। थाना पूर्व के SHO ने मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित हुए बगैर प्रेस नोट जारी करके मीडिया को मेरे बारे में भूमाफिया होने का संदेश दिया, जिससे मेरी छवि और मेरी मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जबकि मेरे खिलाफ कोई भी जुर्म प्रमाणित नहीं है, नहीं कानौता में, नहीं बस्सी में, नहीं ऑल ओवर जयपुर किसी थाने में कमिश्नरेट में मेरे खिलाफ कोई जुर्म प्रमाणित है। इसके बावजूद मीडिया का सहारा लेने का कानौता थाने SHO का क्या मकसद है ये मुझे नहीं पता और नहीं मुझे समझ में आ पा रहा है। और उनके द्वारा बार बार मुझे प्रेशर में लेकर के मेरे बंदों, मेरे कार्यकर्ताओं को, जो मेरे काम करने वाले मजदूर हैं उनको बार बार 151 की धारा में बंद करके और उनको भूमाफिया बता रहे हैं। या तो भूमाफिया है या 151 की धारा के मुजरिम हैं, वो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। भूमाफिया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बार बार 151 में बंद करके उनको रिलीज क्यों कर देते हैं? आपने ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन? मैंने ज्ञापन दिया है CP साहब को, DCP साहब को, ACP साहब को कि मेरी जांच हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो SHO के खिलाफ, जो कि मेरे से डिमांड करते हैं बजन के रूप में पैसों की।